नमस्कार, मैं एम एस गेमर आप सभी का स्वागत करता हूँ पबजी मोबाइल लाइट गेम में। आज जैसे कि हम पबजी मोबाइल लाइट गेम का ये मेरा पहला एपिसोड है, सो एंजॉय दिस गाइस। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंने पबजी मोबाइल खेला है बहुत बार, मगर मैंने उतना ट्राई नहीं किया था पबजी मोबाइल लाइट। सो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं। सो मैप मेरे लिए पूरा के पूरा अननोन है, मुझे कुछ नहीं पता है, फुल ऑन मैं मीन्स बोल सकते हो कि मैं नया हूँ इसमें पबजी मोबाइल लाइट में। सो मैंने कोशिश की है कि हाँ लैंड प्रॉपरली करके देखा जाए। सो मैंने लैंड कर चुका हूँ और मेरा पूरा फोकस था कि मैं बस मर ना जाऊँ कहीं। तो इसमें मैंने ये बनाते समय मैंने ध्यान दिया था उतरते समय कि यहाँ पे टीम उतरी है। सो मैंने सोचा कि पहले गन ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गन की जगह एक्सपो भी मिल गई, बोला कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना अच्छा। सो एक्सपो भी काम कर जाएगी अगर ज़रूरत रहेगी और सामने बंदा रहेगा तो। सो मैं अपनी लूट पे जा रही हूँ, मुझे बस एक गन चाहिए ताकि अगर मैं जो बंदे दिख रहे हैं मुझे मैं उसे मार सकूँ। सामने ही बंदा दिख रहा है मगर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि एक्सबो से माइट भी मिस हो जाए और डैमेज तो हैवी है, बट गन मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगी। सो मैंने वो गन ढूंढना चालू की है। सो मुझे अभी एक शॉट गन और लकीली मुझे गन यहाँ पर मिल चुकी है। अब आएगा मज़ा, लेट्स सी। गन मेरे हाथ में आ चुकी है और मैं अपनी हीलिंग मीन्स बूस्ट कर रहा हूँ ताकि लड़ने से पहले इन सबको देख सकें। सो हियर द फाइट बिगेन। पहला नॉकडाउन, ये दूसरा बंदा, ये भी नॉकडाउन। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे पूरी इसकी टीम होगी। सो मैं कवर लेके इन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नॉकडाउन वाले दोनों ख़त्म हो चुके हैं। सो यहाँ पे मुझे 2 किल मिल चुका है बड़े आसानी से। और आई थिंक उनके पास कुछ था नहीं था पता नहीं, बट हाँ सामने खड़े थे। सो मैंने मार दिया, मुझे पीछे से फुटस्टेप की आवाज़ आई। सो मैं पीछे आके देखा तो ये बिना कुछ गन या किसी चीज़ के बस भागे जा रही है। सो आई थिंक उसे नहीं मिला था। सो लेट्स गो, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सो अभी मैंने 3 किल ले चुका हूँ, मेरे टीममेट्स भी मार रहे हैं बंदे और यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है। सो हमने प्रिपेयर कर लिया है, मीन्स मैंने तो सोच के रखा है कि इसमें चिकन डिनर लेके रहूँगा। सो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे एक टीममेट्स को बंदे को नॉक किया उसने, तो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे दो दो तीन तीन टीम उतरी है। सो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कहाँ पे है। सो मैंने डायरेक्टली जंप कर दिया क्योंकि उसकी लो लाइफ है और वो वहाँ पे फाइट कर रहा था। सो मैंने सोचा कि जल्दी जाता हूँ ताकि बचा सकूँ उसे मैं। और लकीली जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा वो बैड लकी हो गया, वो मर चुका था। सो कोई बात नहीं, बट देन टू मैं उसका रिवेंज लूँगा। सो मैंने यहाँ पे उसे नॉक कर दिया। आई थिंक ये फोर्थ प्लेयर उस टीम का आखिरी बंदा होगा जिसे मैंने अभी भी वाइप आउट किया था, 3 बंदों को नॉक किया था। सो यहाँ बाजू में मेरे टीममेट्स को भी नॉक कर चुके हैं। सो मैं बस ध्यान दे रहा था कि बंदा है कहाँ पे, फुटस्टेप उतना क्लियरली नहीं समझ में आ रहा था, मुझे दिख नहीं रहा था कहाँ से मारा कैसे मारा कुछ समझ में नहीं आया। सो मैंने ऊपर चढ़ के उसे ढूंढने की कोशिश की बट वो मार के निकल चुका था और मुझे दिख नहीं रहा था कि वो गया तो गया कहाँ गया। सो मैंने बोला जाने दो, अभी कुछ कर नहीं सकते। और एक्चुअली मेरे एक टीम मेंबर ने तो पहले ही गेम लेफ्ट कर दिया था और ये दो यहाँ पर मर चुके हैं। सो अभी मैं अकेला हूँ और अभी भी 45 लोग बचे हुए हैं। लेट्स सी, जर्नी अभी बहुत बाकी है। देखना ये है कि इसमें कैसे कैसे प्लेयर मिलते हैं और कितने प्रो मिलते हैं। मैं नहीं मानता कि मैं प्रो प्लेयर हूँ, मैं मानता हूँ मैं अच्छा खेल लेता हूँ। सो मैंने बस गेम खेलने की कोशिश की है। सो मैंने यहाँ बचाने के चक्कर में कुछ लूट नहीं की थी। सो मैंने लूट करना चालू किया है और मैंने मैक्स टू मैक्स कोशिश की है कि जितना हो सके आपको किलिंग के ही व्यूज़ दूँ। तो थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा टाइम इंक्रीज़ हो जाता है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, बट हाँ मैंने कोशिश की जितना हो सके उतना आपको जो इंटरेस्टिंग सीन्स हैं वो सारी चीज़ें दिखा सकूँ। सो यहाँ पे मैं उस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आखिर मार के गया तो गया कहाँ गया, उससे ना फुटस्टेप आई ना आवाज़ आ रही मुझे। तो मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और लकीली मुझे फुटस्टेप मिल गया उसका। सो मैं उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो है कहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि ये वही बंदा है जिसने मेरे टीममेट को मारा था या कोई और है, बट हाँ मुझे फुटस्टेप मिल चुका है। सो यहाँ पर ये नॉक हो चुका है और नॉक हुआ यानी कि इसके पास और भी मेम्बर्स होंगे। सो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी से काम लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये नॉक हुआ है तो इसके टीम मेंबर भी यहीं आसपास कहीं घूम रहे होंगे। सो मैंने सोचा कि उसे ख़त्म करने के बजाय उसे रिवाइव होने का मौका दूँ ताकि उसे जो रिवाइव करना है उससे भी मारूँ और साथ में इसका किल भी ले सकूँ। सो मैंने थोड़ा वेट किया, वहाँ से हट गया ताकि उसे टाइम मिले उसके टीममेट्स को उस तक पहुँचने का, क्योंकि सामने रहेंगे तो टीममेट्स आने में सोचते हैं, इसके लिए सामने से मैं हट चुका हूँ। सो अभी बहुत टाइम दे चुका हूँ। सो लेट्स सी कि वो क्या कर रहा है, उसके पास कोई मेंबर पहुंचा नहीं पहुंचा उसका। सो मैंने अंदर जाके देखा ये यहीं पे है। सो लेट्स सी, कोई आया है तो ठीक है, नहीं आया तो मैं इसे मार के निकल जाऊंगा और क्या करूंगा।
सो ये बेचारा बचने की पूरी कोशिश। ओफ, ये मोमेंट्स बहुत ही दर्दनाक होता है जब ऐसी हालत हो जाती है। लिटरली जब मैं ऐसा करता हूँ तब मुझे भी बड़ा दुख होता है कि हाँ यार, काश मेरे टीम मेंबर्स आ जाए और मुझे बचा ले। सो मैंने बड़े प्यार से उसके पास गया और एक मिनी शॉटगन से एक शॉट मारा जहाँ पे इसका खेल ख़त्म हो चुका है। सो अभी मेरे 5 किल हो चुके हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे 5 किल हो चुके हैं और आगे मैंने यहाँ पे दूसरे बंदे आए हैं। सो मैंने कोशिश की स्प्रे करने की, बट AKM का स्प्रे लिटरली बहुत हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है रेड डॉट से कंट्रोल करना। सो मैंने AKM अंदर रख दी, बेटर है स्कारल यूज़ करूँ। और ये बंदा सच्ची में जिसे मैं मार रहा हूँ उसका दिमाग क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बाहर से मारा, वो घर के ऊपर बम क्यों फेंक रहा है मुझे यही नहीं समझ में आया। आई थिंक उसे कुछ कन्फ्यूज़न हो गया या फिर उसे समझ में नहीं आया कि बंदा है कहाँ पे। वो अभी भी स्टिल ऑन ऊपर भागा। सो मैंने सोचा कि चलो इसे ऊपर जाके ही ख़त्म कर देता हूँ। ये पता नहीं क्या सोच के क्या कर रहा था, आई डोंट नो, बट इसे समझ में नहीं आया कि कौन कहाँ पे है। सो मैंने इसे नॉक करके इसे भी छोड़ दिया। आई थिंक उसी के मेंबर होंगे जिसे मैंने मारा है। और ये आया दूसरा बंदा, एक मर चुका है, एक नॉक है, और ये इसका टीम का तीसरा बंदा। सो मुझे हीलिंग करने का टाइम नहीं मिला तो मैं सोचा थोड़ा मज़े लेके मारूँ। मैं भाग रहा हूँ, उसे लग रहा है कि मैं भाग रहा हूँ। सो मैंने पीछे मुड़ के ख़त्म करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी गन रिलोड पे चली गई और मुझे पता नहीं चला कि मेरे हाथ में शॉर्ट गन आ गई है, हैंड गन, शॉर्ट हैंड गन। सो लिटरली ये थोड़ा सा फंक्शनिंग बहुत ही अजीब है कि जब गन रिलोड पे जाती है तो सडनली हैंड गन स्विच हो जाती है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हाँ, जो शॉर्ट गन मतलब हैंड गन स्विच होती है उस चीज़ पर कंट्रोल रहे, क्योंकि उस चीज़ पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो लिटरली बहुत सारे मतलब मौके ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको भारी पड़ सकता है। मैंने सोचा तो उसे फायर से मार दूँ क्योंकि मुझे ग्रेनेड यूज़ करने का उतना आदत तो है नहीं, बट वो ऑलरेडी नॉक हो चुका था। सो मीन्स डेड हो चुका है। सो मैंने सोचा उसकी क्रेट लूट के यहाँ से निकलते हैं। सो यहाँ पे मैंने अभी तक 7 किल ले चुका हूँ और यहाँ जोन में जाते हुए एक और बंदा दिखा। आई थिंक ये बॉट है, होपफुली, ठीक है जो भी है, नॉक कर चुका हूँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ उस साइड ताकि वहाँ पर जाऊँ। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे क्या लगी कि मैप भी छोटा है और साथ ही साथ इसमें जो बंदे रहते हैं वो भी लिमिटेड रहते हैं, 59 या फिर समथिंग कुछ बंदे रहते हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा उतना टफ कंपटीशन तो नहीं है, ज़्यादा बंदों को मारने की कोशिश नहीं करनी इसमें। और बहुत इजीली मीन्स आप मार सकते हो अगर आपका हाथ अच्छा है इस गेम में तो। सो मैंने अभी तक 8 किल कर चुका हूँ। सो यहाँ पर अभी मैं आ चुका हूँ आके, यहाँ पे मीन्स ड्रॉप के लिए आया था मैं, बट यहाँ पे ड्रॉप पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है। सो वो कार वाले को मारने की कोशिश, बट स्प्रे थोड़ी बहुत गोली लगी बट पूरी नहीं लगी है। सो मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ कि वो है कहाँ पे, बट वो आ नहीं रहा हाथ में, पेड़ पौधे ये सब बीच में आ रहे हैं। सो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि उस कहीं ना कहीं से मिल जाए। सो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ बट मिल नहीं रहा। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा आगे चल के मार लेते हैं। तो मैं आगे पहुँचा तो यहाँ पे पता चला कि वहाँ पे वो बंदा भाग के आ रहा है। सो मैंने उसे नॉक कर दिया, स्प्रे अच्छा गया लकीली, और यहाँ से मुझे एक फायर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसे भी नॉक नॉक किया, ओ सॉरी, वो तो डेड ही हो गया। और यहाँ पे एक बंदा आया गाड़ी से स्प्रे करने की कोशिश, बट आई थिंक एक भी गोली नहीं लगी है मेरी, स्प्रे पूरा वेस्ट किया। कोई नहीं, हम ऐसे मार देंगे उसे। सो मैंने ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर दी है। और लिटरली इस चीज़ इस गेम में एक चीज़ मुझे अजीब लगी, पता है क्या? इसमें मीन्स बंदों को ज़्यादा गोली मारनी पड़ रही है या फिर बंदे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा गोली मारनी पड़ रही है उन्हें मारने के लिए, और वो जल्दी मर भी नहीं रहे हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस की है पबजी मोबाइल लाइफ में। सो कोई बात नहीं, बट देन टू अभी भी हैं हम। और मैं यहाँ पे गोली ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ 5.6 की, क्योंकि मैं ज़्यादातर 5.6 लॉन्ग डिस्टेंस बैटल के लिए यूज़ करता हूँ और क्लोज बैटल के लिए 7 पॉइंट की एमओ, ये ज़्यादा बेटर रहती है। क्योंकि जो 7.2 रहती है वो क्लोज फाइटिंग के लिए बहुत बेस्ट रहती है और 5.6 डिस्टेंस फाइटिंग के लिए। सो मीन्स अपनी हैबिट बना के रखिए, क्लोज फाइट में कभी भी 7.2 यूज़ करने की हैबिट रखोगे तो लिटरली आपको कोई नहीं मार पाएगा कोई भी गन से, क्योंकि 7.2 एमओ की गोली बहुत बेस्ट रहती है। ओह माय गॉड, क्या बात है! एक बंदा घास में छुपा था, एक बंदा सामने था, मुझे थोड़े सेकेंड्स के अंदर वो ख़त्म ही कर देते हैं। बट लकीली मैं वहाँ से मूव हो गया ताकि बच सकूँ, और जोन भी आ रहा था तो मैंने सोचा कि गाड़ी उठा के जोन में चलता हूँ और बाद में इन्हें मार दूंगा। सो यहाँ से मैं भाग रहा हूँ अपनी बग्गी के पास जो मैं लेके आया था ताकि यहाँ से निकल सकूँ, बट ये लिटरली पीछे पड़ गए। मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या बोलूँ, मैंने पीछे मुड़ के देखा बट दिख तो नहीं रहा मगर उनकी गोली लग रही है। सो मैंने देखने की कोशिश की बट नहीं दिख रहे, तो मैंने सोचा बग्गी उठा के निकल जाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जोन भी आ रहा है और मुझे नहीं पता था कि ये जोन कितना डैमेज देगा।
और सर्कल बहुत छोटा है। इतने छोटे सर्कल में आई थिंक अगर ये वो होता, क्या बोलते हैं, पबजी मोबाइल होता तो मैं अभी तक मर चुका होता इतनी कम लाइफ में। मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि हाँ मैं इतने लाइफ में भी पूरा सर्वाइव कर सकता हूँ। सो वहाँ से मैं जब मूव हुआ तो मुझे पता चला कि डैमेज बहुत ही कम जा रहा है। सो मैं इजीली जा सकता हूँ जोन में, तो मैंने सोचा कि हील करके जाता हूँ जब इतनी कम लाइफ जा रही है तो। और यही पबजी मोबाइल होता तो अभी तक तो मैं ख़त्म ही हो चुका होता लिटरली। सो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ जोन में और मेरे 11 किल हो चुके हैं। सो चिकन डिनर के बहुत ही करीब हैं, 5 बंदे बचे हैं, 5 और मैंने मार दिए। सो मेरा चिकन डिनर फिक्स है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा क्योंकि प्लेयर्स बचे हुए हैं और अच्छे हैं, ख़राब है कुछ बोल नहीं सकते, बट हाँ प्लेयर्स बचे हुए हैं जो कि डैमेज दे रहे हैं, मुझे ख़त्म कर सकते हैं। बट देन टू, मैं इतना जल्दी हार मानने वालों में से तो हूँ नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरे पास हीलिंग कुछ बचा ही नहीं है भाई साहब, सिर्फ एनर्जी ड्रिंक एंड बैंडेजेस बची है। बोला कोई नहीं, चलो ठीक है, इसी से काम चला लेते हैं। और ये फाइनल सर्कल मीन्स बहुत छोटा सर्कल हो चुका है, और यहाँ पे थोड़ा सा समझ के साथ चलना होगा क्योंकि मैं अकेला हूँ। अगर मेरे पास टीम होती तो मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, बट टीम नहीं है, सोलो हूँ, तो अभी कुछ तो करना पड़ेगा इसमें, क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। सो मैंने सोचा कि जोन में सामने से जाना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि मैं अकेला हूँ, अगर पूरी की पूरी टीम मेरे पे टूट पड़ी तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। सो मैंने सोचा कि जोन के पीछे साइड से चलता हूँ, और वो भी साइलेंटली जाना चाहिए। इसके लिए मैंने गाड़ी को पीछे रोक दिया ताकि पता ना चले सामने वाले को, और पैदल निकल चला ताकि मैं उन्हें आराम से स्पॉट भी कर सकूँ और मार भी सकूँ। सो सबसे बेटर थिंग होता है अगर आप अकेले हो तो पीछे से जाओ, सामने से जाने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखना कि आसपास आपके कोई ना हो, और मुझे इतना पता है कि मेरे पीछे सर्कल आ रहा है, सो पीछे से कोई आ नहीं सकता। सो मैं यहाँ ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ ऊपर आते ही मुझे एक बगी पे ऐसा लग रहा है देखने आया है भाई, छानबीन कर रहे हैं, ओहो कोई दिख जाए बस। लेट्स सी, 4 बंदे बचे हुए हैं, क्या होता है। और यहाँ पे मैंने स्प्रे करना चालू कर दिया है। शिट 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 शिट, सही बोला था मैंने, इसमें बहुत ज़्यादा एमओ लगती है मारने में। और ये बंदा पीछे भाग रहा मगर मुझे ध्यान नहीं दिया इसने, तो मैंने इसे भागते हुए नॉक कर दिया। मगर लिटरली बहुत ज़्यादा एमओ बर्बाद होता है तब जाके बंदे नॉक होते हैं यार, कसम से। इसमें सीरियसली ये चीज़ अजीब लगी। और यहाँ पे मैंने गोली ख़त्म हो गई, ओ माई गॉड। और AKM का सबसे गंदी बात मुझे ये लगती है कि दूर का स्प्रे इसमें बहुत हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है कि प्रॉपर एम पे बिठा सकूँ। सो बेटर रहेगा कि मैं जितना हो सके उतना क्लोज जाके उसे मारूँ। सो मैं क्लोज जाके उसे ख़त्म किया क्योंकि मुझे पता था AKM डिस्टेंस फाइट के लिए नहीं है, क्लोज फाइट के लिए है। सो मैंने पास जाके मारा और सोचा कि 5.6 की एमओ मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। सो अभी मैं आखिरी बंदे को देख रहा हूँ, चलो ठीक है काम चल रहा है, एक बंदा तो बचा हुआ है। सो उसे मारने के लिए 5.6 KMO की गोली काफ़ी है। सो मैं ढूंढ रहा हूँ उस बंदे को, और लकीली मुझे बंदा लगा, बट बाद में पास जाके देखा तो वो क्रेट था। सो मैं थोड़ा और मूव हो गया क्योंकि मेरा लोकेशन आ चुका होगा। सो मैं एकदम कोने से जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा होगा मुझे कोई, और ये रहा फाइनल बंदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक द वीडियो।